हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में आप देखेंगे क्लास फाइव बिहार बोर्ड वालों के बुक से है ये, और बिहार बोर्ड वालों के लिए ही ये चैनल्स पे इस टर्म्स में हम स्टार्ट किए हैं कि बिहार बोर्ड्स के पाँच से लेके बारहवीं तक के जितने भी मैथ साइंस के टॉपिक्स है उन टॉपिक्स को एक्सरसाइज को मैं कम्प्लीट करूँगा। और आप इस चैनल से जुड़िए और अपना जो भी कोर्स है, अगर छूट रहा हो किसी वजह से, स्कूल न जाने से या फिर स्कूल में टीचर्स की कमी की वजह से, तो फिर आप हमसे जुड़िए और अपना कोर्स पूरा कीजिए। इस वीडियो में हम लोग कक्षा पाँच के अध्याय पाँच के अभ्यास नंबर एक को करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि केवल पाँच वालों को बोल रहा हूँ। आप किसी भी क्लास के हो, पाँच से लेकर बारहवीं तक के, आप चैनल्स को सब्सक्राइब करें, अपना नाम और क्लास लिखकर हमें भेजें। अगर आपकी संख्या ज़्यादा हुई, आपकी संख्या मतलब आपके दूसरे कर रहे हैं जो भी देख रहा है, या फिर आपके फ्रेंड सर्कल्स में, उन लोगों से भी सब्सक्राइब करवा कर हमें मैसेज करवाइए। अगर आपकी संख्या ज़्यादा हुई, जिस क्लास की, उस क्लास की सबसे पहले बनेगी। और मैं ये बताना चाहूँगा कि ये पाँचवीं क्लास का ही क्यों बन रहा है सबसे ज़्यादा आप वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि पाँचवीं का जल्दी जल्दी करना है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप लोगों ने हमें एक दो, मतलब कम संख्या में आपने हमें मैसेज किया है, जबकि इनकी संख्या अबव 50 है। इनकी पाँचवें आलो की, और इन्होंने मैसेज किया है कि मैथ को अभी कंप्लीट किया जाए, मैथ हो रहा है। वो जस्ट बाद इनके अदर सब्जेक्ट्स को के भी कमेंट्स आ रहे हैं, वो होगा। लेकिन यदि आप छठवीं, सातवीं, आठवीं, दसवीं, बारहवीं, ग्यारहवीं किसी में भी हो, आप खुद सब्सक्राइब करें, आपके सर्कल्स में जो लोग हैं सब्सक्राइब करवाएँ और उनसे हमें मैसेज करवाएँ इस व्हाट्सएप नंबर पर। अपना नाम और क्लास आपके क्लास का सबसे पहले बनेगा। अगर ये संख्या अबव 100 हो गई तो फिर आपके लिए लाइव क्लास लिया जाएगा। लाइव क्लास की व्यवस्था करेंगे जिसमें आप अपने सारे टॉपिक्स को कम्प्लीटली यहाँ लाइवली देख पाएंगे। तो चलिए, आज इस वीडियो में हम लोग पाँचवीं क्लास के अध्याय पाँच और जिसका नाम भिन्न और दशमलव भिन्न है का अभ्यास पहला देखेंगे। चलिए पहले क्वेश्चंस पे चलते हैं। पहली बार है तो लाइक सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर भी करें, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं। चलिए, कहता है कि माँ ने मूंगफली की एक गोल गुट्टी बनाई और उसके पांच बराबर भाग कर दिए। पप्पू आया और एक भाग खा गया। अब बचे 4/5 हिस्से। अगर गुटपट्टे का 1/5 हिस्सा मैं भी खा लूँ तो कितना हिस्सा बचेगा? देखिए, एक गुटपट्टी है ये, और इसको कितने हिस्सों में किया गया था? 5 बराबर हिस्सों में कर दिया गया था। कर देते हैं 5 बराबर हिस्से, ठीक है। इसमें से एक हिस्सा पप्पू खा गया और एक हिस्सा, क्योंकि ये 5 भाग में है और 5 नीचे है, क्योंकि 5 भाग में है, ऊपर जितना होता है उतना भाग हिस्सा लिया जाता है उस भाग का, तो एक हिस्सा मैं भी खा गया। दोनों ने मिलकर 2 हिस्से खा लिए। अब कितना बचा? 3 हिस्सा। और 3 हिस्सा कितने में से बचा? 5 में से। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन ऐसा आंसर देंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि ये आप फिगर नहीं बनाएंगे, टाइम भी वेस्ट हो जाएगा और इससे मिलेगा भी कुछ भी नहीं, ठीक है। अगर कहेगा कि किसी चित्र के द्वारा इस क्वेश्चंस को का आंसर समझाइए, तब आप ये चित्र बना सकते थे, ऐसे बता सकते हैं। लेकिन बनाना कैसे है, चलिए उसको करते हैं हम लोग। तो हम लिखेंगे कि बचा हिस्सा बराबर एक गुरपट्टी थी, उसको तोड़ा गया है 5 भागों में, तो 1 में से माइनस करेंगे किसका? पप्पू द्वारा खाया गया हिस्सा प्लस मेरे द्वारा खाया गया हिस्सा, ठीक है, बराबर 1 माइनस पप्पू ने खाया 1/5, मैंने खाया 1/5। दोनों को जोड़कर 1 में से घटाएंगे तो नीचे 5 5 है, तो 5 और 5 का लघुतम 5 हो जाएगा। और 1+1 कितना हो जाएगा? 1 - 2/5, 1 मतलब 1/1, तो इसका भी हो जाएगा एलसीएम 5। तो 1 में 5 से भाग देंगे, 5 बार में कटेगा। अब 5 को 1 में गुणा करेंगे, 5 हो जाएगा।
पाँच को पाँच में भाग देंगे, एक बार में कटेगा और दो में गुणा करेंगे तो दो आ जाएगा। तो ये बचा 3/5 भाग और यहीं आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहीं आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। चलिए ऐसे करेंगे तब आपको मार्क्स मिलेगा। आ जाते हैं दूसरा क्वेश्चन। माँ ने नीलू और उसको भाई को गेहूँ साफ करने का काम दिया। नीलू ने 1/2 भाग गेहूँ साफ किया और उसके भाई ने 1/2 भाग गेहूँ साफ किया। काम कितना बचा, चित्र में देख लेते हैं पहले काम कितना बचा। एक ये टॉब है और इसमें गेहूँ भरा हुआ है। माँ ने दोनों से कहा कि आप लोग गेहूँ साफ कर दो। गेहूँ साफ करना मतलब उसमें से कंकड़ वतर जो भी अनवांटेड चीज़ है, मतलब कि जो नहीं चाहिए कंकड़ पत्थर है, केवल गेहूँ ही गेहूँ अलग कर देना, उसमें से कंकड़ पत्थर निकाल देना साफ करना कहलाता है। तो 1/2 भाग यानी कि इसको दो भागों में बांटा गया। तो नीलू ने क्या किया कि पहले उन्होंने आया 1/2 भाग साफ कर दिया, उसके बाद उसके भाई ने 1/2 साफ कर दिया। अब इसमें कितना बचा है, शून्य, यानी कि काम कितना बचा है, शून्य। लेकिन इसको बनाएंगे कैसे, तो ये देखिए बचा हुआ काम बराबर एक, पूरा काम एक था, माइनस नीलू का काम प्लस उसके भाई का काम। ठीक है, ये हो गया 1 - नीलू का काम 1/2, उसके भाई का काम 1/2। इसको जोड़ देंगे, घटा देंगे, ये 2 हो जाएगा एलसीएम। तो 1 + 1 तो 1 - ये दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो गया 2/2 और ये कट के हो जाएगा 1। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 - 1 = 0 भाग काम बचा है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, नहीं भी समझ में आएगा फिर से जब कमेंट्स करोगे कि नहीं समझ में आया फिर से समझाया जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा। मेरे दोस्त का को 1 तरबूज का 7/12 भाग और मुझे सिर्फ 5/12 भाग दिया गया, कितना अधिक मेरे दोस्त को दिया गया। ठीक है, इसको भी एक तस्वीर से देखते हैं। ये तरबूज है, आप लोगों ने देखा होगा, खरीद के खाया भी होगा, काट के भी खरीदते हैं लोग, घर पे भी ले जाते हैं तो काट के ही खाते हैं। इसको कितने भाग करना होगा, दोनों के बटे में 12 है, मतलब 12 बराबर भाग करना पड़ेगा। कर देते हैं, ये देखो 12 बराबर भाग हो गया। इसमें से मेरे दोस्त को कितना मिला, ये पीले पट्टी के अंदर जितने हैं, कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मिला। ठीक है, और मुझे कितना मिला, तो ये 5 मिला। तो मेरे दोस्त में से 5, क्योंकि कितना ज़्यादा है निकालना है, मेरे दोस्त में से 5 निकालेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, देखो ये घेरे में 5 है और मेरा भी 5 है। दोनों को हटा देता हूँ, दोनों बराबर थे हट गए, तो अब बचा कितना, 2 भाग। और 2 भाग मतलब कि टोटल भाग कितना था, 12, कट जाएगा तो ये कितना बचेगा, 1/6 भाग। लेकिन ऐसे नहीं निकालना, ऐसे आपको समझाने के लिए चित्र बनाया गया है, वहाँ आपको चित्र नहीं बनाना है, आपको निकालना है कि मेरे दोस्त को कितना मिला। तो मेरे दोस्त को यहाँ लिखेंगे, स्मेल कर देते हैं, मेरे दोस्त को ज़्यादा भाग मिला बराबर दोस्त का भाग घटाओ मेरा भाग। ठीक है, दोस्त का भाग कितना था, 7/12, मेरा भाग कितना था, 5/12, 12 और 12 का एलसीएम हो जाएगा 12, तो 7 - 5 ये हो जाएगा 2/12 और कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1/6 भाग और यही हमारा
आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बनाना ऐसे है, ये आपको फिगर नहीं बनाना है। चलिए अगला करते हैं। रूबी के पास 200 रुपये थे, उसने 1/4 भाग के कलम खरीद लिया, मैंने कलम खरीदने पर खर्च किया, उसके पास कितने रुपये बचे? पहले चित्र में दिखा देता हूँ, ये देखो, ये है 200 रुपये का नोट, असली नहीं है ये, तुम लोग खेलते हो ना, जो वो स्कूलों में एफलेंट किट्स में दिखाकर तुमको समझाया जाता है रुपये मुद्रा के बारे में, जो चैप्टर तुम्हारा अगला है, तो वहीं वाला ये नकली वाला 200 रुपये का नोट है। ठीक है, चलिए इसको हमने क्या किया, हटा दिया। अब ये कितने हैं, तो ये देखो 50 50 50 और 50, चारों मिलाकर कितने हैं, 200 रुपये। तो ये 200 रुपये का 1/4 भाग कलम खरीदने में खर्च कर दिया गया, ये कलम खरीदने में चला गया, ये दुकानदार ले लिया। अब बचा कितना है, तो 50 के 3 नोट बचे, यानी कि कितने, 150 रुपये बचा है। तो इसको निकालेंगे कैसे, तो सबसे पहले निकालेंगे कि रूबी ने कलम खरीदने में खर्च किया बराबर कितना, 200 रुपये था और उसका 1/4 भाग, और 1/4 भाग का मतलब क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 200 × 1/4, और 4 से ये 200 कट जाएगा 50 बार में, तो इसने 50 रुपये तो खर्च कर दिए कलम खरीदने में। तो आप निकालेंगे उसके पास बचा 200 रुपये था, 50 रुपये उसने खर्च कर दिया, 200 में से 50 माइनस कर देंगे, तो देखो ये बचेगा रुपया कितना बचा है, 50 50 और 50 150, तो ये बचा कितना, 150 रुपये उसके पास बचे हैं। और ये आंसर्स आप ऐसे लिखोगे तो आपको मिलेगा नंबर, ये रुपये ना बना सकते हो, बनाने में ही पूरा टाइम गुजर जाएगा, तो ये तुमको बनाना नहीं है, ये तुम्हें समझाने के लिए दिखाया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि आकृति के पिता के पास 50 किलो आम थे, उसमें से 1/5 भाग आदित्य को तथा 2/5 भाग मंजू को दे दिया, बताइए आदित्य और मंजू को कितने कितने किलोग्राम आम मिले। तो ये देखो, ये है आकृति के पिता के पास 50 किलोग्राम आम, इसको देखो यहाँ बटे में 5 दिया है, यहाँ भी बटे में 5 दिया हुआ है, यानी कि इसको 5 बराबर भागों में पहले बांट देंगे। तो ये देखिए 5 बराबर भागों में हो गया, अब ये कितने कितने हो गए, तो 1/5 भाग मिला किसको, आदित्य को, और ये सारे 1/5 है, तो 2 1/5 और 1/5, 2/5 भाग किसको मिला, तो वो मिला मंजू को। तो उन लोगों के पास कितने कितने आम बचे, उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, तो उसको निकालने के लिए हम करेंगे कि ये 1/5 भाग, यानी कि किसके पास, आदित्य के पास, तो लिखेंगे कि आदित्य को आम मिला, कितने भाग मिला था, 1/5 और 1/5, 1/5 भाग मिला था, कितने में से, 50 किलोग्राम में से, तो ये हो जाएगा 50 का 1/5, इसका मतलब ये हो जाएगा 50 × 1/5, और 50 को 1/5 से घटा देंगे तो ये 10 हो जाएगा, और 10 × 1 बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 किलोग्राम, यानी कि आदित्य को कितना मिला, 10 किलोग्राम मिला। अब यहाँ निकालेंगे मंजू का, मंजू को आम मिला बराबर कितना, तो 50 किलोग्राम था टोटल आम, और उसका मिला कितना, इन दोनों को ऐड कर दिया है तो 2/5 भाग मिला, तो ये हो जाएगा 2/5, और 2/5 को
पाँच से पचास को कटाओगे दस हो जाएगा, और दस में दो से गुणा करोगे तो दस दुना बीस किलोग्राम। तो ये आदित्य को मिला दस किलोग्राम और मंजू को मिला बीस किलोग्राम, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। आदित्य ने रोटी के, एक रोटी है उसको आठ बराबर हिस्सों में से बांटकर दो हिस्से खा लिए, आदित्य दो खा लिया। शेष बचे हिस्सों में से प्रकाश ने तीन बट्टा आठ भाग खा लिया। अब रोटी का कितना हिस्सा बचा है? तो ये देखो, पहले ये रोटी है, ठीक है, इसको आठ भागों में बांट दिया, आठ भागों में बांट दिया, तो उसमें से दो हिस्से कौन खाया? आदित्य खाया। खिला देते हैं, दो हिस्सा खा गया। बचे हुए में से तीन हिस्सा किसने खाया? प्रकाश ने खाया, उसको भी खिला देते हैं। अब कितना हिस्सा बचा हुआ है? तो तीन रोटी के टुकड़े बचे हुए हैं, तो तीन हो गया। अब कितने में से बचे हुए हैं? आठ में से, तो तीन बटा आठ भाग रोटी का टुकड़ा अभी बचा हुआ है। तो ये तो आपने चित्र में देखा, बनाएंगे कैसे, इसको कैसे बनाएंगे, ये देखो। तो लिखेंगे कि रोटी के बचे हिस्से बराबर एक, क्योंकि एक रोटी था और उसी में से हिस्सा किया गया, माइनस आदित्य द्वारा खाया गया रोटी प्लस प्रकाश द्वारा खाया गया रोटी का हिस्सा। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक माइनस, आदित्य ने कितना खाया? दो खाया, यानी कि दो बटा आठ हिस्सा खा लिया, प्लस प्रकाश ने कितना खाया? तीन बटा आठ। तो ये तीन बट्टा आठ जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? एक माइनस आठ, इसका एलसीएम हो जाएगा, तो दो प्लस तीन, तो ये हो गया दो प्लस तीन बराबर एक माइनस तीन और दो पाँच, तो पाँच बट्टा आठ, ये कितना हो जाएगा? ये एक बट्टा एक है, फिर इसका एलसीएम निकालेंगे तो आठ ही इसका एलसीएम हो जाएगा। तो एक से आठ में भाग करेंगे तो आठ, और आठ में एक से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आठ, माइनस आठ में आठ से भाग करेंगे एक आएगा, और एक को पाँच में गुणा कर देंगे कितना आएगा? पाँच ही आएगा, और आठ में से पाँच घटा देंगे तीन, और बटे में आठ है, इतना भाग रोटी बचा हुआ है, और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अब शब्दों में लिखा हुआ नहीं है, डायरेक्ट तुम्हें घटाने को दिया गया है, घटाने को होगा, कहीं पे जोड़ने को भी है, नहीं है जोड़ने को, घटाने का ही दिया गया है। और ये घटाव बड़ा आसान है, क्या करेंगे, नीचे वाला लिख देंगे, दोनों बराबर हो तो एलसीएम वही हो जाता है, सोचना ही नहीं है, और ऊपर वाले को माइनस कर देते हैं। ये कितना हो गया? दो तीन घटाव एक, दो बटा चार, ये कटेगा तो कटा देंगे बराबर एक बट्टा दो, क्योंकि दो से कटाएंगे तो ये दो बार में कट जाएगा चार। दूसरा है, यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा? यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा आठ, ठीक है, और ऊपर वाले ऐसे ही घट जाएंगे, तो चार और तीन घटाएंगे, सात और तीन घटाएंगे तो चार बट्टा आठ, चार से काटेंगे तो दो बार में कट जाएगा एक बट्टा दो, और यहाँ भी देखो क्या होगा, बराबर एलसीएम हो जाएगा सात, और ऊपर वाला वैसे ही आकर घट जाएंगे, तो छः घटाओ पाँच एक बट्टा सात, ये सारे इसे आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर सातवां था, इसमें से और भी क्वेश्चंस है, ए बी सी आया है, तो और भी क्वेश्चंस है, तीन और क्वेश्चंस है। यहाँ पे ऐसे ही करेंगे, एलसीएम इसका नौ, तो चार माइनस दो बराबर दो बट्टा नौ, यहाँ क्या है, एलसीएम हो जाएगा बारह, तो पाँच घटाओ तीन, ये हो जाएगा दो बट्टा बारह, दो से काटोगे छः बार में कट जाएगा एक बट्टा छः, यहाँ दो बट्टा नौ आंसर,
यहाँ एक बट्टा छः आंसर, और यहाँ पे देखो क्या होगा, छः तो पाँच माइनस एक बराबर चार बट्टा छः। अब देखो ये चार से तो डायरेक्ट नहीं कटेगा, लेकिन दो से ये कट जाएगा दो बार में, दो से ही कटेगा ये तीन बार में। देखो ऊपर नीचे कटाना हो किसी दूसरी संख्या से तो एक ही संख्या से दोनों कटनी चाहिए, ऐसा नहीं कि चार को किसी और से कटा दिया, आप छः को किसी और से कटा दिया। दो से ही कटाया, दो से चार को कटाया दो बार, और दो से ही छः को कटाया तीन बार, तो ये हो गया दो बट्टा तीन, यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा। और कुछ क्वेश्चंस और है, इसमें एक क्वेश्चंस है जी वाला, इसको कैसे करेंगे, इसका भी एलसीएम हो जाएगा पाँच, और ये चार माइनस एक, और चार में से घटाएंगे तीन बट्टा पाँच, और ये आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे अभ्यास एक अध्याय पाँच का, क्लास पाँचवा का ख़त्म हो गया। ठीक है, इसको आप लोग अच्छी तरह से देखें, फिर से अभ्यास करें, और जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही हो वो फिर से हमें कमेंट्स करें, आपको समझाया जाएगा। इसके साथ ही साथ बिहार बोर्ड्स के पढ़ने वाले पाँचवीं से बारहवीं तक के सभी बच्चों से कहा जा रहा है कि आप इस चैनल्स को देखो, ये चैनल्स है ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स, ये लोगो है, इसको सब्सक्राइब कर लो, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाओ, और ग्रुप बनाओ। ग्रुप बनाकर ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है हर पेज पे आपको मिल रहा है, ये इसलिए मिल रहा है कि आप सब्सक्राइब करें, दोस्तों से करवाएं, और अपना नाम, जो जो भी सब्सक्राइब कर रहा है आपके दोस्त और आप सब मिलकर, अपना नाम और क्लास हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर भेजें, आप लोगों का ग्रुप बनाएगा। जैसे वो ग्रुप बड़ा होगा, जैसे ही वो ग्रुप बड़ा होगा तो आप लोगों के लिए लाइव क्लास के रूप में सारा लेकर आएंगे। अगर छोटा ग्रुप भी हुआ आप भेज रहे हैं, जो फरमाइश आएगा उस क्लास का मैं पहले बनाऊंगा, क्योंकि छः से पाँच से लेकर बारह तक का मैथ और साइंस पूरा बनाना कुछ समय लगेगा, और उसमें से कौन हमारे साथ जुड़ा है कौन नहीं जुड़ा है ये हमको पता नहीं चल रहा है, इसलिए आप जुड़ें और अपना इन्फॉर्मेशन हम तक पहुँचाएँ तो आपके क्लास का पहले बनेगा। अगर आपकी संख्या 100 से ज़्यादा हो गई तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप ही ढूंढ रहे हैं, आप अपने दोस्त सर्कल में किया और सारे लोग हैं जो जो है वो करते जाएंगे, संख्या 100 से ज़्यादा हो गई तो ये आपको वीडियो क्लास नहीं बल्कि आपको लाइव क्लास मिलेगी। एक टाइम फिक्स कर दिया जाएगा और उस समय हम लोग लाइव रहेंगे और जो भी आपकी समस्या होगी उसको हम देखेंगे। इसका मतलब नहीं कि 100 नहीं हो रहा है इसलिए आप नहीं जुड़े, आप जुड़े, अपना क्लास और नाम भेजें, आपको अगर किसी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है वो भी भेजें, हम आपको आपके क्लास का, आपके जो भी क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स है उसको हल करने का प्रयास करेंगे वीडियो के माध्यम से। ये मैं बोल रहा हूँ कि संख्या जब 100 से ज़्यादा होगी तो लाइव क्लास आपके लिए लेके आएंगे, नहीं तो वीडियो क्लास तो आपका आएगा ही आएगा, हर रोज़ आपको एक चैप्टर्स का वो सॉल्यूशंस मिलेगा, केवल आप सब्सक्राइब करें और इस पर अपना नाम और क्लास भेज दें। ये बिहार बोर्ड वालों के लिए, CBSE वालों के लिए भी ये सुविधा उपलब्ध है, अगर वो भेजते हैं किसी भी क्लास के हों सब्सक्राइब करें, अपने नाम और क्लास भेजें, उनके क्लास के अभी वीडियो उनको मिल जाएगा, या फिर उनकी भी संख्या अगर ज़्यादा हुई तो उनका भी लाइव क्लासेस शुरू हो जाएगा। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।